अस्सलाम वालेकुम, के हाले ठीक हो ना। ये जी मैं व्लॉग के बाद जी इंट्रो करूं। ईद के जी सेकंड डे मैं जी सुबह 5 बजे उठ गया था, क्योंकि जी हमारे कुर्बानी के जी जानवरों को जी जबा किया जाएगा। फिर जी मैं सुबह सुबह जी हवेली की तरफ जी चला गया था। और जाए आगे आप व्लॉग को चेक कर ले। साइयों का प्रोग्राम बड़ा हुआ है, वो भी आए नहीं, नींदर पूरी काले और हमें पहले ही उठा दिया ने। मैं जी चाचू के डेरे की तरफ आ गया जी। इधर जी सारी गाय जी अपना नाश्ता सुबह का कर ली थी और दूध भी इनका निकाल लिया था जी चाचू ने। और भाई जी मैं आ गया आया अबू के जी डेरे की तरफ। इधर भी ये जी सारी गाय जी अपना नाश्ता कर ली थी। मैं जी पीछे हवेली में कोई 30 मिनट बैठा रहा हूँ, अभी तक तो सही नहीं आए। तो फिर मैं दूध लेके आई हूँ घर देने के लिए। तो अभी ना दूध देखो, फिर चलेंगे इब्राहिम को उठाएंगे और फिर चलेंगे हवेली की तरफ। और माशाल्लाह जी वेदर बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चासी आ गया वेदर को देख कर। और फिर जी मैं आ गया इब्राहिम को जी उठाने के लिए। देखें जी इब्राहिम कैसे सो रहा है। फिर जी मैंने इब्राहिम को उठाया और मैंने कहा जी कुर्बानी का टाइम हो गया, तो चलो उठो हवेली की तरफ। और इब्राहिम दौड़ कर उठा जी और रेडी हुआ जी और बाहर आ गया जी। देखें कितना शौक है जी से। अभी मैं और इब्राहिम जी जा रहे हैं दूसरे घर जी दूध देने के लिए। हम जी तयबू के जी घर बैठ गए थे और जब हम घर वापस आए और आगे जी हमारा बैल जी जबा हुआ हुआ था। हमारा जी हमारा जबा हो गया जी, कुर्बान हो गया अल्लाह के रास्ते में। 1 hour later पूरे 1 hour के बाद जी फिर हमारे जी बोलू की भी जी बारी आ गई थी जी जबा होने की जी। अबे जी हम बोलू को जी लेके चल पड़े। और माशाल्लाह जी बारिश भी जी स्टार्ट हो गई थी जी इतनी तेज। थोड़ा सा मौसम जी ठंडा हो गया था। और फिर जी हमने बोलू को जी अल्लाह हाफिज बोला और जी बोलू के सर पे जी हाथ मारा और फिर जी बोलू को जी बांध दिया गया। और फिर कसाईयों ने जी बोलू की जब टांगे बांधी जी और बोलू ने जी छिड़ाने की कोशिश की, देखे कैसे कर रहा था जी। फुल जी ऐसे भूत हो रहा था। देखे कसाईयों से जी अपने पाँव में रस्सी नहीं था डलवा रहा। फिर जब दूसरी दफा जी रस्सी डाली गई तो फिर थोड़ा सा काबू आया, लेकिन फिर भी नीचे गिर कर जी उठ गया था। और फिर जी दोबारा से रस्सी को और जोर का जी टाइट कर दिया गया था जी। डोलू जी जी काबू नहीं था आ रहा, आगे पीछे घूम रहा था। अगली टांगे भी बनी हुई थी और फिर जी पिछली टांगों में जी रस्सी बांधी गई जी। और फिर जी बोलू का जी गिरा दिया गया। देखें जी बोलू लेटा हुआ है। अब जी बोलू को दवा किया जाएगा। और फिर जी दुआ मांगी गई जी, दुआ मांग के जी और हमारे बोलू को जी फिर जबा कर दिया गया जी अल्लाह के रास्ते पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा बोलू भी जी अल्लाह के रास्ते पर जी कुर्बान हो गया जी। और फिर जी बास का जी गोश्त भाई गुलफाम और पट्टी वरैच ने जी उठाया और हमारे घर जी फिर रख दिया जी पट्टी ने और भाई गुलफाम ने। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जी बास भी जबा हो गया और डोलू भी जी। और अभी डोलू का गोश्त जी काटा जा रहा है और हमारे बास का गोश्त जी काट भी दिया और अब अंदर आ गया और अब जी तकसीम किया जाएगा सब रिश्तेदारों में, गरीबों में और मोहल्ले में भी। 1 hour later और फिर जी इन कसाईयों ने जी हमारे जी बाज भी और बोलू को भी जी जबा कर दिया और फिर जी ये चले गए और फिर जी सफाई की गई जी। अभी मैं और शयान जी गोश्त देने के लिए जा रहे हैं जी अपने रिश्तेदारों को भी और बाकी सबको भी जी। यही बात है, यही बात है। मैं और शयान जी गोश्त देकर आए जी और आगे जी चाय वेरी गुलाबों को जी जबा कर दिया गया। और फिर जी उसका जी कसाई जी गोश्त कर रहे और थे और माशाल्लाह ये जी इतनी सील थी इसे मैं भी पकड़ता था ना। मैं गुलाबों को जबा होता देख पाई हूँ और ना मैं अपने बाज को जबा होते वक्त देख सका हूँ। और फिर जी गुलाबों के जी गोश्त के जी पीसीस करके जी त्रोड़ों में डाले गए और फिर जी अब्दुल्ला ने जी त्रोड़े उठाए जी और चाचू के घर जी रख दिए। गुलाबों को जी कसाई जी जबा करके जी चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी बास भी बोलू भी और जी गुलाबों जी ईद के जी सेकंड डे जी जबा हो गए थे। और ईद के जी थर्ड डे जी इंशाल्लाह जी डोलू को जी जबा किया जाएगा। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ओके, खुदा हाफिज। Sense it.
left you bloody just immenses. Fuck around till you come to your senses. My future or to past tenses. Lajawab, you do not have the answers. Tum jaise Afghanistan mein Americans. Ek call pe daku marega daka. Rubber lamp kya hukam hai mere aka. Gangland chote mera share prop.